नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। इन दिनों जनसंख्या कानून को लेकर काफी चर्चा हो रही है। वहीं कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश राज्य में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून लागू कर दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को पहले ही साफ कर दिया था कि कानून बनाने से जनसंख्या का नियंत्रण कर पाना बिल्कुल ही मुश्किल है। जब तक बिहार की महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, तब तक जनसंख्या का नियंत्रण होना मुश्किल है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश कुमार और भाजपा के नेताओं के बीच में मतभेद की स्थिति देखने को मिल रही है। यही कारण है कि पंचायत चुनाव में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून के लागू होने को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जिसके बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार नामांकन भर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हाल ही में पंचायती राज मंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अपना पक्ष साफ करते हुए साफ कर दिया है कि प्रदेश में पहले से ही यह कानून लागू है। बिहार के नगर निकायों के चुनाव के लिए सरकार ने पहले ही नियम बना रखा है कि दो से अधिक बच्चे वाले लोग उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे। यह व्यवस्था पंचायतों में लागू करने पर विचार भी की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल इसको लेकर तैयारियां हमने शुरू कर दी है। हालांकि इन सब के बीच उन्होंने एक बात और साफ किया है कि यह नियम बनाने के बाद भी इसे लागू करने में एक साल का समय जरूर लग सकता है। यानी कि स्पष्ट है कि इस बार के पंचायत चुनाव में इस तरीके के नियम लागू नहीं होंगे। सम्राट चौधरी ने इस दौरान कहा कि अगर यह नियम बनता भी है तो आने वाले पंचायत चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। 2026 के पंचायत चुनाव में ही इसे लागू किया जा सकता है। देश में मौजूदा जनसंख्या के हालात को देखते हुए उन्होंने अपने बयान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विचारों से अलग राय रखते हुए इस कानून को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि आज जो लोग शिक्षित हो रहे हैं उनमें प्रजनन दर दो बच्चों तक ही सीमित है। आज वो समय आ गया है जब दो से अधिक बच्चे वाले को कोई सुविधा ना मिले, ऐसा कोई नियम कानून बनाना चाहिए। ऐसे प्रावधान लागू करें या बेहद जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोविड-19 के मामलों में गिरावट के साथ ही बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से हो रही है। पिछली बार ईवीएम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग के बीच में मामला फंसने के कारण पंचायत चुनाव का आयोजन समय पर नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ऐसी किसी भी गलती से बच रही है। अब तक राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर कई अहम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत उम्मीदवारों के खर्च से लेकर मतदान के दौरान मतदाताओं के आचरण तक पर चर्चा कर ली गई है, जिसके बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। सब कुछ सही रहा तो 10 चरणों में आयोजित होने वाला यह चुनाव सितंबर अक्टूबर महीने में करवा लिया जाएगा। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए सभी दिशा निर्देश तभी तक कारगर रहेंगे जब तक कोविड-19 के मामले बिहार में नियंत्रित नजर आ रहे हैं। वर्तमान समय की बात करें तो मामलों में लगातार गिरावट तो देखने को मिल ही रही है, जिसके बाद इस बार पंचायत चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी उम्मीदवारों को लगने वाले नामांकन शुल्क का ब्यौरा भी पेश कर दिया गया है, जिसके तहत सभी उम्मीदवारों को 250 से 2000 रुपए नामांकन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।